रनिंग फ्रॉम रोंगडूम और अभी करता हूँ इस जगह से ही इस ब्लॉग की शुरुआत। कल रात को हम इसी होम स्टे पर रुके थे, हमको ऑलमोस्ट प्राइस पड़ा पर हेड 400 रुपया। और बाकी यहाँ से सामने का नज़ारा जो कुछ है वो आपको दिखाता हूँ। एनीवेज बाहर बहुत ज़्यादा धूप था तो अभी करता हूँ यहाँ से इस ब्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल हैंडी मीटर, माय नेम इज शोभिक। और अभी अपना रूम का हालत ऑलमोस्ट सेम हो चुका है जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो इसको जस्ट पैक करके टाई कर लेते हैं बाइक के साथ और निकलते हैं टूवर्ड्स थ्रास। तो बाकी के रास्ता जो है उसमें क्या खाने को नसीब होगा नहीं होगा मालूम नहीं, इस वजह से हमने ऑर्डर किया है रोटी और दही और बस यही, इसको खाते हैं फिर निकलते हैं टूवर्ड्स कारगिल वॉर मेमोरियल। नाम है चिरिंग तर्किस, ये होम स्टे का नाम है नूनकुन आईपेक्स होम स्टे। नंबर है 6006979219 और दूसरा नंबर है 9419300383 सर। ऑल राइट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम निकल रहे हैं और आपके साथ मज़ा आया, जिंदगी में कभी दोबारा सड़क पे मिल जाएंगे हम सड़क पे ही मिलेंगे ऑब्वियसली। चलिए भैया बाय बाय बाय, थैंक यू। चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स कारगिल वॉर मेमोरियल। तो यहाँ पर कुछ भैया लोग फिर से मिल गए जिनके बदौलत मेरा गाड़ी पे अभी हवा डल रहा है। भाई साहब धन्यवाद, सच में यार ऐसे जगह पर ऐसे ट्रबल भगवान किसी को ना झूठ लटकाए ऐसा। सो अभी हम रुके हैं एक ऐसी जगह पर जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, सामने ऑब्वियसली एक जेसीबी की खुदाई हो रहा है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम, तो हम थोड़ा देर सुस्ता लेते हैं इसी बीच। सरू वैली पे पहली बार जांस्कर में देखा, लिटिल बिट थोड़ा ज़्यादा पैमाने पे खेती बाड़ी भी होता है, पता नहीं क्या बोया है इन्होंने, लग तो कुछ जाने पहचाने लग रही है पर आई एम नॉट श्योर। जो भी है ये जगह पे हरियाली काफ़ी है। एक रेस्टोरेंट पे, एक्चुअली कैफे। आज का अपना लंच है चावल दाल और अंडा भुजी और साथ में ऑब्वियसली सलाद। सोचा नहीं था देखने को मिल जाएगा पर मुझको मालूम नहीं था कि जिस रेस्टोरेंट पे रुके हैं मतलब खाना खाने के लिए वही से दिखेगा ये नून और कुन, दो मेन अट्रैक्शन इन दिस प्लेस। ये जो ज़्यादा बर्फ वाला है इसका नाम है नून और साइड में जो कम बर्फ वाला है उसका नाम है कुन, दोनों फ्रेश। तो दोपहर के कॉफ़ी पी रहा हूँ नून और कुन को देखते हुए, स्वाद आ गया कड़क। तो रोंगडूम से निकल के जब तक हम कारगिल को पहुँचे, लद्दाख सर्किट पे, लद्दाख के मेन टेरेन पे एंटर किए, तब तक हमने जितना भी फुटेज रिकॉर्ड किया था घर आके जब चेक किए वो करप्ट था, मतलब सारा का सारा फुटेज ही गया। एनीवेज तो उस दौरान वीडियो को हम तो ऐसे आधा अधूरा, क्या इन्फॉर्मेशन था क्या नहीं इसको ना देखे छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए अभी कर रहा हूँ एंड। अब हम है अपने घर पे
पर वीडियो को तो एंड कर नहीं पाए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन था जो हमने उस दौरान दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम रोंगदुम से निकले थे, हमारा गाड़ी का हो गया था पीछे का पूरा हवा गायब। तो इस दौरान जो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जिसमें थोड़ा सा अच्छा रोड और कुछ 10-15 किलोमीटर का ऑफ रोड, तगड़ा वाला ऑफ रोड हमको उस विदाउट एयर प्रेशर में हमको चलाना पड़ा था, इससे एक बहुत ज़्यादा तकलीफ होता मेरे को पर्सनली। एनीवेज, उस दौरान अपने छोटा सा क्लिप हमने ऐड किया, जैसा देखा था एक कश्मीर की गाड़ी था जो हमको मदद किए, तो उस दौरान हम थोड़ा बहुत पहुंच पाए। सुरु वैली से होकर हम गुजरे और जो अपने राकेश शर्मा भैया है और ऋषिता के साथ हम कारगिल तक पहुंचे, और उसके बाद जो है अपना नया चैप्टर चालू हो जाएगा जो है लेजरियस एट लद्दाख। तो आई होप आप वो भी देखेंगे और इस पूरे सीरीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। अगर ये पूरा टोटल वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो काइंडली हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब, एंड ऑब्वियसली एक चीज़ याद रखना, लिव योर लाइफ एज अ किंग, हर द मीटर चेज योर ड्रीम।